हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह, अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर जो दो दिन से जो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं वो सच हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है कि जैसे ही वंदे भारत मिशन 4 लॉन्च हुआ है, पिछले दो दिनों से कॉल्स भी लोगों के ऊपर ज़्यादा आ रही हैं, लोग ज़्यादा इंडिया जा पा रहे हैं और आ पा रहे हैं, क्योंकि जो वंदे भारत मिशन की जो फ़्लाइट्स हैं दोस्तों, जो फ़्लाइट्स हैं वो पहले देखिए फेज़ 3 में क्या था, 550 के आसपास थी, लेकिन अभी जो हैं वो 950 या 1000 के आसपास जो फ़्लाइट्स टोटल हैं, जिसमें कि जो प्राइवेट एयरलाइंस की फ़्लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनका परसेंटेज इतना ज़्यादा है कि देखिए इंडिगो की जो मेजर रोल है इस वक्त, ठीक है ना, तो वो भी काफ़ी देश विदेशों में से फ़्लाइट ऑपरेट करने वाला है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो फ़्लाइट्स के नंबर हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जो लोग फंसे हुए हैं वो अब कम रह गए हैं पहले की अपेक्षा। तो हो क्या रहा है कि कॉल सब पे आ रही है, और अगर आप अच्छी न्यूज़ की बात करेंगे तो देखिए ये है कि जो सऊदी और यूएई के लिए जाने और आने की दोनों फ़्लाइट्स के लिए जानकारी दी गई है। पहले 00 फ़्लाइट थी, लेकिन अभी फ़्लाइट्स वंदे भारत मिशन में ही हैं उस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो सऊदी अरब से रियाद, दमाम और जिदा से भी फ़्लाइट इंडिया के लिए हैं डायरेक्ट, और इंडिया से भी डायरेक्ट फ़्लाइट हैं इसके लिए सऊदी के लिए। आज एक इस टॉपिक को लेके बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है दिल्ली में, जिसमें कि GMR से लेके बहुत बड़ी कंपनी आने वाली हैं, तो वो डिसाइड करेंगी कि आने वाले दिन किस तरह से ऑपरेट होंगे। दूसरी बात कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन इस बात को लेके कि किस तरह से जो बैगेज सिस्टम है वो सही हो, किस तरह से जो यात्री हैं वो किस तरह से ऑपरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं एक दिन के अंदर, किस तरह से जो लोग हैं वो अपने अपनी डेस्टिनेशन, मतलब जो स्टेट में जो जैसे कोरोना वायरस के लिए जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर किस तरह से पहुँचाए जाएंगे, तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत बढ़ाई गई हैं। ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये उन देशों को भी ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त जिन्होंने आज तक फ़्लाइट नहीं भेजी है या फिर वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हुई है। तो दोस्तों, कतार एयरवेज़ की भी एक अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने भी कुछ डेस्टिनेशन बढ़ाई हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने USA के लिए भी बढ़ाई है, इंडिया के लिए भी बढ़ाई है, और जो VBM4 है दोस्तों उसमें जो फ़्लाइट्स के नंबर हैं जो उसमें डायरेक्ट फ़्लाइट भी हो रही हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस से भी डायरेक्ट फ़्लाइट बुक हो रही हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि जो फ़्लाइट जिस कंट्रीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल UAE और सऊदी के लिए जो तीन तीन केवल फ़्लाइट हैं, तो उनके लिए वो डायरेक्ट एम्बेसी से कॉल करेंगे ताकि लोग बाहर जा सकें इंडिया से और या फिर इंडिया आ सकें दोस्तों। तो ये दोस्तों दो दिन से बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही हैं, और होपफुली शायद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी नॉर्मल कंडीशन में इंडिया में। लेकिन 15 और 16 तारीख की वेट कर रहे हैं सभी लोग कि देखिए जो आज डिसीजन होने वाला है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि जल्दी भी शुरू हो जाए, हो सकता है कि 16 तारीख को हो, लेकिन जो भी होगा मैं उसकी जो वीडियो है वो भी डाल दूंगा। दोस्तों, अभी तक 4 बड़ी कंपनियां जिसमें विस्तारा है, ब्रिटिश एयरवेज़ है, एतिहाद है और एमिरेट्स है, इनकी भी जो एयरलाइंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं बुकिंग, इन्होंने डायरेक्ट बुकिंग स्टार्ट कर दी है 16 जुलाई से, तो जिसमें कि आप इंडिया से जा भी सकते हैं और इंडिया में आ भी सकते हैं दोस्तों। तो आप एहतियात की साइट पे आप डायरेक्ट टिकट बुक भी कर सकते हैं, टिकट बुक हो भी रही है। देखिए, एयर इंडिया की एक्सप्रेस की साइट पे बुक नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे वंदे भारत मिशन की कॉल आएगी, लेकिन जो एयर इंडिया जो सॉरी एहतियात एयरवेज़ है उस पर डायरेक्ट बुकिंग हो रही है और वो कॉल ले भी रहे हैं दोस्तों, और टिकट बुक भी हो रही है लगातार, तो आप वहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहेगा कि शायद अगर मान लीजिए गवर्नमेंट मना कर देती है तो 16 जुलाई को तो वो जो टिकट है वो रिशेड्यूल हो जाएगी दोस्तों, तो इतना थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर आप रखिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में पैसे तो रिफ़ंड हो ही जाते हैं या फिर रिशेड्यूल हो जाती है फ़्लाइट, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इन सब के अलावा देखिए, आपके पास दुबई के लिए या UAE के लिए ICA अप्रूवल होना चाहिए, COVID-19 टेस्ट की जो रिपोर्ट है
वो भी होनी चाहिए नेगेटिव, तभी आप आ सकते हैं। उसके लिए जो कोविड टेस्ट सेंटर्स हैं उनके लिए भी अलग अलग जगह बनाई गई हैं, जो कि स्मार्ट सर्विसेज ICA वाली जो साइट है उस पर वो शो करेंगे। अभी तक शो नहीं हुई है, और अगर वहाँ शो नहीं होती है बाई चांस आपके लिए, तो दोस्तों क्या होगा कि वो आपको मेल करेंगे, जो ICA जो मेल आई थी आपकी ICA अप्रूवल की, उसी मेल ID से वहाँ पर आपके लिए मेल आएगी। ये मैंने कस्टमर केयर से पता किया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, बिना उसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी UAE में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो जो अपडेट्स हैं वो आप